भारतीय हॉकी के लिए एक और प्राउड मोमेंट आया है। स्वर्णिम सफलता हासिल की है भारत की टीम ने, और वो भी पाकिस्तान को पराजित करके। जी हां, भारत ने जूनियर एशिया कप के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। बड़ी जीत है, और इस क्यों बड़ी जीत है आज बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा फाइनल मैच की कहानी कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे किया पराजित, साथ ही इस पूरे जूनियर एशिया कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत के जेन नेक्स्ट ने कमाल का प्रदर्शन किया है, हॉकी के जेन नेक्स्ट ने जूनियर एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप की टाइटल जीत ली है। भारत ने पूरे एशिया कप के दौरान जो ये जूनियर एशिया कप हुआ ओमान में, उसमें शानदार प्रदर्शन किया है, और 48 गोल जो है भारतीय टीम ने विपक्षी टीमों पर दागे हैं। तो किस किस को कितने गोल मारे हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले फाइनल मैच की बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला था, ओमान में था, बड़ी संख्या में लोग आए थे। शायद खिलाड़ियों के लिए पहला अनुभव रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या के सामने जो है वो मुकाबला खेलना, लेकिन भारत ने अच्छी शुरुआत की और शुरू से ही आक्रमण की झड़ी लगा दी। कुछ पेनल्टी कॉर्नर भारत ने जरूर मिस किए, लेकिन 13वें मिनट में अरायजीत सिंह हुंडल का शॉट जब डिफ्लेक्ट होकर लौट रहा था तो अंगद वीर सिंह ने मौका ताड़ा और सीधे गोल डाल दिया, और भारत को 1-0 की बढ़त पहले क्वार्टर में ही मिल गई। दूसरे क्वार्टर में अरायजीत सिंह ने गोल दागा, सेंटर ऑफ सर्कल में उन्हें गेंद मिली और फिर उन्होंने कोई चूक नहीं की और भारत को मैच में 2-0 की अग्रता दिला दी। हाफ टाइम 2-0 पर ही हुआ, भारत 2 गोलों से आगे था, लेकिन 37वें मिनट में पाकिस्तान ने गोल करके जो भारत की जीत का अंतर था उसे कम कर दिया और भारत जो है 2-1 से लीड कर रहा था। बाद में पाकिस्तान ने कुछ जबरदस्त हमले भी किए, लेकिन जो भारतीय टीम के गोल रक्षक हैं मोहित शशि कुमार, उन्होंने कुछ सुंदर बचाव किए, और इसके बाद जो है पाकिस्तान की टीम तमाम कोशिशों के बाद भी जो है वो गोल जो है उतार नहीं सकी। भारतीय टीम ने भी कुछ आक्रमण किए, उन्हें भी कुछ पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जब फाइनल हूटर बजा तो जो भारत जो है वो 2-1 से आगे था, जो ये बता रहा था कि भारत ने जूनियर एशिया कप का खिताब 4थी बार जीत लिया है। आपको बता दूं कि 8 साल बाद ये टूर्नामेंट हो रहा था जूनियर एशिया कप, और इसकी प्रतीक्षा सभी को थी। आखिरी बार 2015 में ये जूनियर एशिया कप खेला गया था और अब जाके 2023 में हुआ, और जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की, और इस जीत से जो है भारतीय टीम को निश्चित तौर पर जो है एक टॉनिक मिला होगा, क्योंकि अब आगे जो है जूनियर वर्ल्ड कप भी होना है मलेशिया में, तो उसे देखते हुए ये बड़ी जीत है। और अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो भारत के जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो जनरेशन नेक्स्ट हैं, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, और अगर हम बात करें तो उत्तम सिंह के नेतृत्व में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने उत्तम प्रदर्शन किया है ये हम कह सकते हैं। उत्तम सिंह जो है वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी बने, कप्तान थे टीम के, और उन्होंने जो है दिखाया है कि उनके अंदर कितना दमखम है और वो जो है भविष्य है भारतीय हॉकी के, और निश्चित तौर पर भारतीय हॉकी की सेवा वो लंबे समय तक करने वाले हैं। इसी तरह से अरायजीत सिंह है, ब्रिलियंट टैलेंट आप कह सकते हैं। तो कुछ खिलाड़ी जो इस टीम में थे, जूनियर टीम में, वो निश्चित तौर पर भारत की सीनियर टीम की नीली जर्सी पहनेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक कि इस जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय टीम ने 48 गोल विपक्षी टीमों पर किया है और 3 गोल उनके खिलाफ हुए हैं। अगर हम शुरुआत से बात करें तो भारत ने चीनी ताइपे को 18 गोलों से पराजित किया था। इसके बाद जो है भारतीय टीम जापान से 3-1 से जीती, लेकिन फिर थाईलैंड को भारत ने 17 गोलों की करारी शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तान के साथ जो उसका मुकाबला हुआ था ग्रुप स्तर पर, वो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था, लेकिन सेमीफाइनल में भारत ने
कोरिया को 9-1 से शिकस्त दी और फिर फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया और जूनियर एशिया कप का ताज हासिल कर लिया। जो भारत की जूनियर एशिया कप की टीम थी उसके प्रदर्शन से निश्चित तौर पर यूरोप के दौरे पर गई भारत की सीनियर टीम को भी हौसला मिलेगा। आप कह सकते हैं उनके लिए भी ये जीत टॉनिक का काम कर सकती है। भारतीय हॉकी टीम को हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हॉकी इंडिया ने भी खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। हर खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, सपोर्ट स्टाफ को 1-1 लाख मिलेगा। तो ये एक शुभ संकेत है कि हॉकी में जो है वो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है और इससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का भला होगा और खिलाड़ी जो है और जी जान लगाकर खेलेंगे। तो भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं जूनियर एशिया कप जीतने पर। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।